कि जो आरएसएस आरएसएस और बीजेपी की जो पूरी मानसिकता है वो दलितों के खिलाफ है। बाबा साहब कलम पकड़ने बोले ना, झाड़ू मंच बनाए हुए हैं, कलम मंच बनाओ, उसके तो हम भी खिलाफ हैं। झाड़ू के झाड़ू मंच गटर में करने तो ब्राह्मणों को सफाई, साले हगेंगे खुद और सफाई करने जाएगा हमारा भाई। कलम पकड़ोगे तो जज लगोगे, झाड़ू पकड़ोगे तो सीवर में मरोगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिव इंडिया और इस समय ओम सुधा जी मेरे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार बहुजनों के अलग अलग मुद्दों पर बात रखते हैं। ऐसे में वर्गीकरण का मामला आज पूरे देश में छाया हुआ है और दो वर्ग इस समय आमने सामने हैं। ओम सुधा जी क्या कहेंगे वर्गीकरण को लेकर, आप क्या समझते हैं अभी तक? देखिए, वर्गीकरण को तो हम केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भाजपा की साजिश के अलावा कुछ नहीं समझते। असल में 2 अप्रैल 2018 को जब इस देश में बहुजनों ने, दलितों, पिछड़ों ने साथ मिलकर आंदोलन किया था, तो उस आंदोलन से सरकार घबरा गई थी। और जहां तक मेरा मानना है और शायद जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस बात से सहमति रखते होंगे कि 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन आज़ाद भारत का सबसे बड़ा स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। उस आंदोलन से इस सरकार के मन में एक डर तो है कि एक बहुजन एकता जो है वो बनी है, खासतौर पे सोशल मीडिया की वजह से एक बहुजन एकता बन गई है। इस बहुजन एकता से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग घबराए हुए और हमेशा से घबराए, उनको टूटा फूटा चाहिए। तभी तो उन्होंने इस पूरे देश को जातियों में बांट रखा है, जातियों में भी जो है उन्होंने जातियों में भी उपजातियां बनाई, इस तरह का बंटवारा कर रखा है। ऐसे समय में जो है अब ये जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तमाम दलित जातियों को एक शेड्यूल में लेकर शेड्यूल कास्ट कहकर बांध दिया, उस परिस्थिति में मुश्किल हो गई, आरएसएस मुश्किल में फंस गया, क्योंकि बाबा साहब ने तो तमाम दलित जातियों को, जो 6000 से ज्यादा दलित जातियां हैं, सबको शेड्यूल में ले आए, शेड्यूल कास्ट कर दिया। तो अब दिक्कत हो गई क्योंकि बाबा साहब एक एकीकृत व्यवस्था लेकर कालांतर में मान्यवर कांशीराम साहब इसको बहुजन कहकर इसका दायरा और बड़ा कर दिया, विशाल कर दिया और ज्यादा मजबूत बना दिया। बहुजन में ये एसटी ओबीसी को भी ले आए, मान्यवर कांशीराम ने इसको और विस्तार दिया। तो इसका जो एक डर है, इस बहुजन एकता का जो डर है, वो डर जो है साफ साफ दिख रहा था आरएसएस बीजेपी में, और इसको तोड़ने के लिए लगातार वो साजिशें करते रहे लेकिन साजिशों में कामयाब हो नहीं पा रहे थे। इस बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्होंने उपवर्गीकरण का सिगुफा छोड़ा कि जो है तमाम जो है कुछ दलित जातियां जो है पीछे रह गई है, उनको जो है आरक्षण के अंदर आरक्षण देना चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा जो डिसीजन है, पहले तो मैं मतलब आश्चर्य कर रहा हूँ कि यह जो सुप्रीम कोर्ट है, यह जो इस तरह का लाई डिटेल, तो सुप्रीम कोर्ट क्या नोस्त्रेदमस का रिश्तेदार है, कोई भविष्यवाणी थी? इनको पता कैसे चला बिना कास्ट सेंसस के? अभी पूरी बात सुनिए, बिना कास्ट सेंसस के सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता चला कि इस जातियों के पास ये संसाधन हो गया, उस जाति के पास पीछे रह गए, उस जाति आगे रह गए? आप ही बताइए, आप बहस कर रहे थे, कैसे पता चला सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आधार नहीं, इसको रात को सपना आया या रात को मोहन भागवत का फोन आया कि ऐसा ऐसा करना और सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। इसमें कोई आंकड़ा, बिना आंकड़ा के कोई कैसे बता सकता है कि कौन आके है, कौन पीछे? 95 से लेकर 2005 तक हरियाणा और पंजाब में ये वर्गीकरण लागू रहा और इस लागू होने का एक आरटीआई के माध्यम से तमाम आंकड़े मेरे साथ इस समय है। 1994 से दो, और ये ए और बी वर्ग में बांटा गया था। ए वर्ग में आपको बता दूं मैं 37 जातियां थी और बी वर्ग में 14 जातियां थी। तो दोनों जातियों को जब ए बी के फॉर्मूले में बांटा गया तो वहां पर जो फायदा हुआ है वो तो दोनों जातियों को, दोनों वर्गों के लोगों को हुआ। अब अगर इसको हम देख लें तो 1994 से 2005 के बीच में क्लास वन में जो है 37 लोग लगते हैं, क्लास टू में 385 लोग लगते हैं और क्लास थ्री में 6013 लोग लगते हैं और टोटल है 6435 लोग लगते हैं सर इसमें ए कैटेगरी में, और बी कैटेगरी में भी सेम इसी तरीके से। तो ये जो वर्गीकरण हुआ था 1995 से लेकर 2005 तक, तो इसमें तो कहीं ना कहीं वर्गीकरण के हिसाब से देखा था तो सभी जातियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला ना सर, और फिर बाद में जाके मैं फिर आ रहा हूँ आप 2000 उसके बाद शुरुआत होती है और फिर 2005 के बाद जो है ए बी चिन्मया आते हैं और चिन्मया की वो रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं जो फैसला ये पंजाब और हरियाणा में जो लागू हुआ है
ये गैर संवैधानिक है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो ये लग जाता है। उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आता है। अब हम बोले जी आप 2024 में इस समय विचरण कर रहे हैं, मान्यवर 2024 है और 2024 में जब वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो हम सवाल पूछेंगे कि आपके पास 2024 में जब आप ये सुप्रीम कोर्ट में बैठ के बोल रहे हैं, क्या 1994 का आंकड़ा लेकर बात कर रहे हैं? एक दूसरा जो मेरा सवाल है मिलॉर्ड से, आप ये बताइए, आप कहते हैं वर्गीकरण से कुछ जातियों का फायदा हो गया, ठीक, बिहार में कहते हैं दुसाद आगे हो गए, यहाँ जो है हाँ पासवान दुसाद कहते हैं बिहार में, यूपी में जाटव आगे हो गए, इस तरह राजस्थान में मीणा आगे हो गए, महाराष्ट्र में मातंग आगे हो गए, आप ये बताइए, कोई बता दे आरक्षण मिलने के बाद कितने जाटव का 200 एकड़ जमीन हो गया आरक्षण की वजह से, कितने जो दुसाद पासवान है उनका 10-20 शहर में अपार्टमेंट हो गया, कितने जो है मातंग जो है वाइस चांसलर हो गए विश्वविद्यालय में, कितने जो है सुप्रीम कोर्ट में जज हो गए, ये बताइए। ये जो आरक्षण को लेकर ही जो एक कंसेप्ट है कि इसको ये सवर्ण लॉबी जो है इसको आर्थिक कार्यक्रम बना दिया, आर्थिक कार्यक्रम है नहीं। दूसरा, आप खोज रहे हैं दलितों में मलाई, खोज रहे हैं दलितों में मलाईदार परत, सच्चाई ये है कि मलाई कहीं और है, आप लेयर कहीं और खोज रहे हैं। मलाई है कि सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया उसको यह भी बताना चाहिए कि अभी डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका बाप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, इसका बेटा अभिनव चंद्रचूड़ अभी बम्बई हाई कोर्ट में वकील है, आने वाले समय में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। भाई साहब ये बताइए, ये कौन सा आरक्षण है? सुप्रीम कोर्ट में 3% ब्राह्मण है पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट में 90% से ज्यादा जज ब्राह्मण है, इसमें कब वर्गीकरण होगा? मूल क्या है, मलाई कहीं और? अभी पूरा अभी मैं क्लियर करूंगा आपके पहले सवाल को, कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, अभी सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। मलाई कहीं और है, लेयर कहीं और खोज रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ जातियों आगे बढ़ गए, बहुत बढ़िया बात। आप तो 100 एकड़ जमीन एक चमार ने बता पाए पूरे देश में एक जाट, तो फिर आप लेयर कहाँ से लगा रहे हैं? कोई चमार जो है नंगे बदन चल रहा था, चमड़ा छिल रहा था, रेमंड का कमीज पहनने लगा था, आपको चमा जो है लेयर दिखने लगा, क्रीम दिखने लगा, अच्छा खाना खाने लगा, भूखा नंगा रहता था तो अच्छा खाना खाने लगा, वहां आपको क्रीम दिखने लगा, ये हुआ, ये क्रीम है। मतलब असल चीज क्या है कि जो आरएसएस और बीजेपी की जो पूरी मानसिकता है वो दलितों के खिलाफ है, वो समझते हैं। लेकिन अभी जो दो वर्ग, अभी जो दो वर्ग, ओम सुधा जी, दो वर्ग हैं, दो जातियां जो है आमने सामने खड़ी हुई है, और उन जातियों के नाम जो तमाम जो वीडियो देख रहे हैं इस समय उनको पता है कौन सी वो दो जातियां हैं, और वाल्मीकि जाति को लगातार जो है कोर्ट के द्वारा झाड़ू छोड़ो और इस तरीके से जो सोशल मीडिया पे तमाम बयानबाजी हो रही है, ये कहां तक उचित है सर? ये किसने कहा उचित है? आप नहीं, झाड़ू छोड़ने वाली बात तो उचित है, बाबा साहब झाड़ू पकड़ने, अभी भी कोने में कहीं ना नहीं, वो लोग भी तो कहते हैं अभी बाबा साहब झाड़ू पकड़ने बोले, बाबा साहब कलम पकड़ने बोले ना, झाड़ू मंच बनाए हुए हैं, कलम मंच बनाओ, उसके तो हम भी खिलाफ हैं, झाड़ू के झाड़ू मंच गटर में करने दो, तो ब्राह्मणों को सफाई, साले हगेंगे खुद और सफाई करने जाएगा हमारा भाई, तो उनके लिए तो कभी भी आंदोलन नहीं, क्यों? बिल्कुल करते हैं, हम हमेशा कहते हैं उसके लिए मशीन लाओ, उसकी सफाई के लिए। तो समाज में मैसेज तो हर साल तकरीबन मेरे पास जो आंकड़े हैं, सुनिए, 30-40 हजार लोग तक मारे जाते हैं सीवर की सफाई, मारे जाते हैं इतने लोग, मारे जाते हैं सीवर की सफाई में। भैया वाल्मीकि क्यों उतरेगा? मशीन लाओ और वाल्मीकि समाज झाड़ू छोड़ दे, झाड़ू छोड़ो, कलम पकड़ो, कलम तो अभी भी है सर, पंजाब में 19 जज लगे सर अभी, ये कलम पकड़े तब 19 जज लग, वही तो कह रहे हैं कि कलम पकड़ोगे तो जज लगोगे, झाड़ू पकड़ोगे तो सीवर में मरोगे, तो वही तो कह रहे हैं कि झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो। मैं थोड़ा ही कर रहा हूँ 100%, एक प्रतीक के तौर पर कर रहा हूँ, ये सिर्फ वाल्मीकि समाज के लिए नहीं है, दलित समाज में भी जो जातियां छोटे स्तर पे चमड़े का काम कर रही है, पॉलिश का काम कर रही है, छोड़ो उसको, दूसरा काम करो, करने दो, पॉलिश अपना जूता खुद करेगा। ये प्रतीक के रूप में मैं बता रहा हूँ कि आपने झाड़ू छोड़कर कलम पकड़ा तभी आप जज बने। तो मतलब आप मानते पूरा वर्गीकरण का जो मामला आया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी की चाल, ये मानना क्या है, ये सच्चाई है, ये चाल है तोड़ने की कोशिश है, इसमें नया, लेकिन ये मामला तो 24 साल से चल रहा था सर। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि भाई
ये जो पूरा शांत पड़ा रहता है मामला, इस सुप्रीम कोर्ट को क्या चुल मची रहती है 24 साल, ये 3000 साल से शोषण कर रहे हैं और तोड़ने की कोशिश में लगे, 6000 जातियों में तोड़ा, आप 2024 साल ही देख रहे हैं, ये इनकी कोशिश है, ये चलती रहेगी और इस बार थोड़ा बहुत सफल भी हो रहे हैं लेकिन लंबे समय तक सफल तो नहीं। आप मान रहे वर्गीकरण नहीं, ये लगता है अगर ओमसुधा क्या चाहते हैं, ओमसुधा मानते हैं कि अगर वर्गीकरण होता तो बाबा साहब एक अनुसूची में लेकर नहीं आते। ओमसुधा चाहते हैं कि अगर यह सरकार सुप्रीम कोर्ट वाल्मीकियों का भला चाहती है या उन जातियों के बारे में जिनका कहती है पीछे रह गए उनको लेटरल एंट्रीज भर्ती कराओ, कोई दलित ये तो फिर वही बात है। आप लोग तो कहते पढ़े कोई किस, कब मैंने कहा भाई कहते हैं पढ़ते नहीं है, कब मैंने कहा नहीं पढ़ते, आप पढ़ने का आरोप लग रहा है, कौन लगा रहा है उन्हें पता, मेरी ये बात नहीं है कि नहीं पढ़ते, हम अपने समाज के साथ खड़े रहते हैं, हम जातियों में, मेरी तो जाति, कोई हमको डोम कह देता है, कोई पासवान कहता है, कोई चमार कहता है, कोई खट्टी कहता है, मेरी तो जाति भी लोगों को ठीक से नहीं पता है, तो आप मुझे मत आरोपित करिए, हम लोग समाज को सही दिशा देना चाहते हैं, हमारी लाइन क्लियर है, आपस में नहीं लड़ना है और जो कह रहे हैं कि तुम पीछे रह गए, बढ़ाओ आरक्षण का कोटा 10%, अब तो जो 50% का जो वो लाइन था उसको तोड़ दियो, दो वाल्मीकियों को 10% अलग से, कोई दलित विरोध, हम तो मांग कर रहे हैं कि अलग से दो, अगर लगता पहले तो जाति जनगणना कराओ, हम भी जानना चाहते हैं कौन पीछे है कौन आगे है, लाभ हुआ है, अरे भाई हम कहां लाभ हानि पे तब आएगा जब सही आंकड़े आएंगे और उसके आएगी रिपोर्ट नहीं, को आरटीआई बिना जाति जनगणना कैसे आरटीआई 2011 सपना कास्ट सेंसस का आंकड़ा है आपके कहां से आ गया, ये आप अलग से देखिए, आप अपना आपके पास आंकड़ा है, सरकार ने डिस्क्लोज ही नहीं किया आपके पास आंकड़ा आ गया 2011 भैया, आपके पास आंकड़ा आ गया जाति जनगणना का, नहीं आया ना, जाति जनगणना कराओ, हम पीछे हटे जाति जनगणना कराओ, कितने वाल्मीकि पीछे रह गए हमको जानना है और हम अपने समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में सबसे पहले जो ब्राह्मण अभी हितैषी बने हुए वाल्मीकियों को ब्राह्मण अपना ईडब्ल्यूएस देते ना वाल्मीकियों को, ये तो लड़ाने का उनका खेल है, सीधी सी बात है।